अल्लाह अकबर। कौन कौन हो? कौन हो तुम? वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपका जन्नात की बस्ती में। दोस्तों, तो जैसे हम इस जगह से वापस गए तो कुछ ही देर बाद ही जो हमें आवाज़ें आईं इस जगह से चीखने चलाने की, तो हम दोबारा जो इस जगह पे देखने के लिए आए हैं कि किस चीज़ की वो चीखने चलाने की आवाज़ें थी। ये आप देख सकते हैं, ये वही फसलें हैं और हम दोबारा फिर से वापस जा रहे हैं करीबन 1 घंटे के बाद। और मैं अपने सब्सक्राइबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, और कुछ दोस्त मेरे जो पाकिस्तान से और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो मुझे प्यार दे रहे हैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी ये वीडियो कैसी आप लोगों को लगी। तो दोस्तों, हम फिर उस जगह पे दोबारा पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर पहले ही हम इधर से गए थे। काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है इस जगह पे और रात का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस जगह पे हमने वो चीज़ देखी थी जो ब्लैक कपड़ों के अंदर थी, तो दोबारा इसके अंदर से किसी के चीखने चलाने की आवाज़ें आई हमें, तो इसलिए हम दोबारा वापस आए हैं। हम इसकी दूसरी साइड पर जाकर देखते हैं, शायद हमें कोई चीज़ मिल जाए। और इस जगह पे सांप बिच्छू भी हैं क्योंकि पहले भी हमें इस जगह पे आए थे, गुजरे थे इस जगह से, तो सांप थे। ये जगह तो काफी खतरनाक है क्योंकि इसके आसपास काफी अंधेरा है। ये दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इधर से कुछ आवाज़ें आई हैं। इसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं अभी भी।
ये इसके पीछे एक दरख्त लगा हुआ है। बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं हम। कौन है? कोई है? दोस्त इसके अंदर चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही। अभी हम इससे दूसरी की तरफ। ये क्या है? काफ़ी बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं इस जगह पे। पीछे से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। दरख्तों के पीछे से कोई चीज़ है यार। इधर से आवाज़ आ रही थी ना। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि जगह काफ़ी ख़तरनाक है। ये आप इसके अंदर से आवाज़ें सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि इसके अंदर जाके देख लें क्योंकि अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। अंदर कुछ भी हो सकता है। हमें खुद भी डर लग रहा है। अल्लाह अकबर। कौन है? ये आप लोगों ने आवाज़ सुनी, इसके अंदर कोई है। पीछे पीछे इसके अंदर कोई चीज़ है जो वो देख, वो देखो। कौन है? बाहर आओ।
ये फिर इसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। इधर से आवाज़ें आ रही हैं इसके अंदर से। अंदर काफ़ी अंधेरा और जगह भी इतनी तंग है कि इसके अंदर जा भी नहीं सकते हम, और आवाज़ें भी इसके अंदर से ही आ रही हैं। दोस्तों हम घूम के फिर उसी जगह पे आ गए हैं वापस। ये आप देख सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यही हम काफ़ी देर से सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी से अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें। दोस्तों इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है, और इस जगह पे जो एक्टिविटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही है, और इतनी ज़्यादा अंदर से आवाज़ भयानक भयानक सी आवाज़ें आ रही हैं। और इसके अंदर हम चले तो जाएं, लेकिन रात का वक्त है और जाने की कोशिश करते हैं जैसे इसके अंदर, और कुछ ना कुछ अजीब सी आवाज़ इसके अंदर से आती है। और मुझे लगता है कि ये जो फसलों की जगह है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटी मौजूद है महसूस हो रही है हमें। और इसके अंदर लोग बताते हैं कि आप इसके अंदर कम जाया करो, तो फिर भी दोबारा जैसे हमें पता चला कि चीखने की आवाज़ आई, हम देखने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो जगह पे काफी अल्लाह अकबर। कौन हो तुम? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि ये वही चीज है दोबारा जो हमें दिखाई दे रही है। अल्लाह अकबर। भागो 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 इस जगह से। अल्लाह अकबर। पीछे तो नहीं है हमारे? अल्लाह अकबर। दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि वो चीज़ बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी हुई थी, जैसे हमने पीछे की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सामने आ गई थी हमारे, और हम डरकर इधर भागे तो पीछे कुछ भी नहीं। अब क्योंकि उसकी शक्ल इतनी भयानक थी, इस जगह पर खड़ी थी ये, आप सामने की तरफ देख सकते हैं, तो टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है इस जगह पे हमें। तो अभी जो हम इधर से वापस जा रहे हैं,
क्योंकि दिन जो दिन के टाइम आकर देखेंगे। और यह आप देख सकते हैं कि इतनी फसल इन्होंने काट कर छोड़ दी, क्योंकि इसी वजह से छोड़ी है कि इस जगह पे इनको कोई चीज़ नज़र आती थी, दिन के टाइम भी डरते थे लोग, तो इसलिए इसके अंदर से आवाज़ें आती थी, और इसे इस फसल को काटा भी नहीं अभी तक। तो दिन के टाइम जो पता करेंगे कैसा क्या है इस जगह पे। तो अभी आप लोगों से हम इजाज़त लेंगे, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कुछ दिखाएंगे। अभी हमने जैसे अंदर जाने की तैयारी की थी तो वो चीज़ बिल्कुल हमारे सामने आ गई। तो अभी हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।